नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम हिमाचल प्रदेश में शिमला से 450 किलोमीटर दूर काजा में हैं। दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे पेट्रोल पंप विजिट करके कर रहे हैं। यहां पर इस समय तो देखो पेट्रोल पंप में कोई भी नहीं है, पंप बंद है। सुबह 7:30 बजे ओपन होता है और शाम को 8 बजे तक आप यहां पर पेट्रोल रिफिल करवा सकते हैं। जब हम रिकोंगपियो से आ रहे थे ना, तो मुझे बताया गया था कि रिकोंगपियो के बाद जो अगला पेट्रोल पंप मिलेगा वो यहाँ काजा में मिलेगा, और यहाँ से बाद जब आप मनाली जाएंगे तो एक तांदी में पेट्रोल पंप मिलेगा जो किलोंग के आगे है, या फिर मनाली। यहाँ पर देखिए बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है, 12,270 फीट हाइट पे अबव सी लेवल। कमाल है। इस समय कितना अच्छा लग रहा है, यू नो एक फीलिंग होती है ना कि हम वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप देख रहे हैं, तो फीलिंग ही अपने आप में यूनिक है। और इस समय मौसम काफ़ी अच्छा है। पिछले 10 दिन में शायद आज पहली बार है मैं दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, शांत वातावरण, कोई भी नहीं है यहाँ पर, ब्यूटीफुल। चलिए सामने स्तूपा है, स्तूपा के पास चलते हैं। पेट्रोल पंप के साथ ही स्तूपा है और स्तूपा के साथ ही मोनेस्ट्री है। जब आप टाबो की तरफ से काजा आ रहे होंगे, काजा एंटर करते ही अपने राइट में आप मोनेस्ट्री देखेंगे। इस समय तो मोनेस्ट्री क्लोज्ड है, हमने बाहर से दर्शन कर लिए। यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, साक्या सेक्ट की ये मोनेस्ट्री है। 2009 में यहाँ पर मोनेस्ट्री की स्थापना की गई। मुझे किसी लोकल ने बताया कि मोनेस्ट्री के जो ओपन होने की टाइमिंग्स हैं वो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक है, सिर्फ 1 घंटे के लिए। अब ये नॉर्मल टाइमिंग्स भी हैं या कोविड की वजह से वो नहीं मालूम। तो उस समय 8 से 9 यहाँ पर मॉन्क्स प्रेयर करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 50-70 मॉन्क्स हैं जो यहाँ पर उस दौरान उपस्थित होते हैं। चलिए अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। लो जी, आप काजा का बस स्टैंड भी देख लो। इस समय यहाँ पर एक बस खड़ी हुई है। मैंने पता लगाया, अगर आप यहाँ से शिमला जाना चाहते हैं तो सुबह 7:30 बजे की बस है जो पीओ पहुँचाती है शाम को 5:30 बजे। फिर पीओ से आपको 1.5 घंटे बाद दूसरी बस मिलती है जो सुबह 4 बजे शिमला पहुँचाती है। किराया यहाँ से पीओ तक का 494 और उसके आगे 533 रुपया। प्री बुक कराने का फ़ायदा ये है, मतलब यहाँ से डायरेक्ट शिमला की टिकट निकालने का फ़ायदा यह है कि आपको टिकट नंबर मिल जाता है। अगर आपको मनाली जाना है तो यहाँ से सुबह 5:30 बजे बस जाती है जो 3:30 बजे मनाली छोड़ देती है। उसका किराया है 498 रुपीज़। आओ थोड़ा आगे सामने आपको टैक्सी स्टैंड दिखाता हूँ। सामने लिखा हुआ है ना स्पीति टैक्सी यूनियन, मैंने इसके बारे में पता लगा लिया है। अगर आप यहाँ से शेयर टैक्सी में शिमला जाना चाहते हैं तो उसका किराया ये लोग चार्ज करते हैं 1500 रुपये। तो टेम्पो ट्रैवलर जाता है जो सुबह 6 बजे निकलता है और 13 घंटे अप्रॉक्सीमेटली लगते हैं शिमला पहुँचने में। और अगर यहाँ से मनाली जाना है टेम्पो ट्रैवलर में, जिसमें 11 सीटर 13 सीटर दो तरह के ट्रैवलर्स रहते हैं, तो उसका चार्ज है 1200 रुपया पर पर्सन। इस समय तो काजा की मार्केट बंद है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा वॉक करके रिवर साइड को चलते हैं, 10-15 मिनट में आसानी से पहुंच जाएंगे। ओ गॉड, कितने सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं यहाँ पर। वाओ, 5 मिनट अभी हम पैदल चले हैं, कितना अच्छा सीनिक व्यू है। सामने वो रिवर साइड है जहां हमको जाना है। फूल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, लवली। अच्छा ये देखो, पिछले 7-8 दिन में मैंने शायद ऐसी जगह 1 या 2 बार ही देखी है जहां पर इतना बड़ा ग्रासलैंड है और फार्म है एक्चुअली में ये, और सामने पहाड़ और उसकी आगे नदी। ये स्पीति नदी है जहां पर अभी हम जाने वाले हैं। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे हमें वहां पैदल पहुंचने में। एक ही जगह खड़े होके कितने सारे मैं व्यू देख पा रहा हूँ, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। जब हम आ रहे थे तो मैंने देखा था स्पीति नदी खाब में सतलुज को मिलती है, हमने वो संगम पॉइंट भी पीछे एक एपिसोड में दिखाया था। दूर से जब मैं ये पहाड़ देख रहा था तो मेरे को लग रहा था कितना प्यारा लग रहा है इस प्रकार की ढलान, और अब कितना हम नज़दीक आ गए हैं। ऊपर आसमान में काले बादल देखो कितने ज़्यादा हैं। यहाँ पर बारिश नहीं होती,
कोल्ड ड्राई डेजर्ट, और अगर बारिश हो भी जाए पूरे सीजन में मुश्किल से 2 या 3 बार 10 से 15 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा बारिश नहीं होती, बाकी सीधी बर्फ ही पड़ती है इधर। और टेम्परेचर सर्दियों में दिसंबर जैन के आसपास -25 डिग्री तक चला जाता है। एक काम करेंगे, यहाँ से नदी के पास तक एक बार जाके देखेंगे। लो जी, कितने सारे छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर से चलते हुए हम नदी के पास पहुंच चुके हैं। ये देखो आप, स्पीति नदी का क्लोजअप व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना। एक चीज़ देखो, आप नोटिस करो, नदी अपना रास्ता कैसे निकाल रही है। वहाँ से आ रही है, वहाँ बड़े पत्थर हैं उनके साइड से निकलती हुई, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर, थोड़ा वहाँ पर, थोड़ा और आगे। यहाँ पर खड़े होके तो दिल खुश हो गया। पानी में हाथ लगा के देखते हैं पानी कितना ठंडा है। ओह, मुश्किल से 7 से 8 सेकंड में पानी में हाथ डाल सका, बहुत ठंडा पानी है, मज़ा आ गया। कुल मिला के दिल खुश हो गया। 15-20 मिनट हो गए हैं नदी किनारे, थोड़ा टहल लेते हैं, थोड़ा खड़े हो जाते हैं, उसी व्यू को बार बार देखते हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब क्या करते हैं, हम तो रुके हैं गेस्ट हाउस में, जो मैंने पिछले एपिसोड में भी दिखाया था। यहाँ पर हिमाचल टूरिज्म की भी प्रॉपर्टी है, वहाँ चल के देखते हैं उनकी रहने की सुविधा क्या है और टैरिफ क्या है। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हिमाचल टूरिज्म की प्रॉपर्टी है, होटल द स्पीति। यहाँ पर बुकिंग ऑनलाइन होती है, इतना तो मेरे को मालूम है। सामने आप ये बड़ी सी पार्किंग स्पेस देख रहे हैं, चलिए अंदर चलेंगे, थोड़ा टैरिफ के बारे में जानते हैं और रूम भी देखते हैं। हाँ भैया, नमस्ते। अच्छा, हम ना काजा में कहीं रुके हुए हैं जी सर, तो यहाँ मैं जानना चाहता हूँ कि आपके रूम टैरिफ क्या है जी सर, और एक आध रूम भी जो स्टार्टिंग लेवल का है वो हमें दिखा दीजिए। रिवर फेसिंग रूम दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये कितने साल पुरानी प्रॉपर्टी है? ये सर हो गया जी 10 साल हो गया जी। 10 साल हो गया, तो टोटल कितने रूम्स हैं यहाँ पे? 22 रूम्स है, प्लस हमारे पास 3 कॉटेजेस भी है। अच्छा, ये मोबाइल नंबर किसका है? 94180। ये होटल के, तो फोन करते हैं तो मिलता है। बढ़िया, रूम तो बहुत शानदार है। ओ वाओ, मतलब अच्छा खासा स्पेशियस रूम है। इतना सारा मक्खी कैसे आ गया? इनकी वजह से आ रही थी। किसकी वजह से? जो लकड़ी है ना, इसके वजह से आ रहे थे, निकल भी जाते थे। अच्छा अच्छा, यहाँ से रिवर व्यू दिख रहा है। भैया, इस रूम का टैरिफ कितना है? इसका 2250 प्लस GST है। इसमें हम दो लोगों को डिनर और नाश्ता भी देंगे, इसमें हम आपको 30% ऑफ भी देंगे सर। कमाल है। अच्छा जी सर, ये 30% ऑफ तो काफी महीनों से चल रहा है ना? बिल्कुल, ये हमारे हिमाचल गवर्नमेंट का एक ये चला हुआ है ना सर, इस समय कोविड की वजह से लोग टूरिस्ट के लिए एक चला हुआ सर। हाँ सही है। वैसे मैंने देखा हिमाचल टूरिज्म की प्रॉपर्टीज ना हमेशा ऐसी लोकेशन पे होती है जहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, एकदम प्राइम लोकेशंस। जी सर, चलो आपको कॉटेजेस भी दिखा देंगे। दिखाएंगे। अच्छा, अच्छा, कॉटेज काफी स्पेशियस है, बढ़िया। ये डाइनिंग एरिया और वहां पर रूम। क्या आपने टैरिफ बताया इसका? 3500 प्लस GST रहेगा सर। इसमें भी ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूड है? ब्रेकफास्ट इसमें भी इंक्लूड रहेगा। और अभी इसमें भी 30% ऑफ चल रहा है। नाइस, सही है, आराम से आपको अंदर बैठना है, बाहर चेयर में बैठ के मौसम एंजॉय करो। बढ़िया, तो ये बताओ कि अभी जैसे सर्दियों में बर्फ पड़ती है तो होटल्स बंद हो जाते हैं, तो ये कब बंद होता है, कब खुलता है? 31 अक्टूबर हमारा लास्ट सीजन है। 31 अक्टूबर के बाद ये होटल टोटली क्लोज होता है। ओपन? ओपन फिर मिड ऑफ द मे। मिड मे। हिमाचल टूरिज्म बिल्डिंग के साथ ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अभी मैं यहाँ पर आ गया फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, पता लगाने कि रात में भी यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं या नहीं होते।
तो मैंने डॉक्टर को मिला, अंदर बात करी, तो उन्होंने बताया यहाँ 24 आवर्स इमरजेंसी ओपन होता है, सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक तो ओपीडी है, उसके बाद इमरजेंसी। एक चीज़ ने डॉक्टर ने मेरे को खास तौर पे हाईलाइट करी, जब टूरिस्ट आते हैं ना एलिवेशन गेन होती है तो उनको वेट नहीं करना चाहिए, अगर सिर में दर्द हो रहा है, कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो उनको कंफर्टेबल महसूस नहीं करवा रहे, तो दे शुड इमीडिएटली विजिट हॉस्पिटल, क्योंकि कभी कभी ऑक्सीजन एकदम ड्रॉप कर जाती है और पता भी नहीं चलता। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, इस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया कि अपने आप को हमेशा पानी पीते रहो जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो। चलिए जी, अब हम ब्रेकफास्ट करने चलेंगे, 9:15 का टाइम हो चुका है। यहाँ पर केवल मैं ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आया था। आइए, काजा मार्केट के पास ही टेस्ट ऑफ स्पिति रेस्टोरेंट है, यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट करने आया हूँ। मैंने देखिए क्या क्या मंगवाया है, ये आप देख रहे हैं, समोसा, साथ में चटनी, और साथ में ये सैंडविच है जिसको बनाने के लिए तिरिक ब्रेड इस्तेमाल की गई है, वो तिरिक बोलते हैं बेसिकली तिब्बतन ब्रेड को यहाँ पर, ठीक है। एक बार आप ये अंदर से देख लीजिए किस तरह की स्टफिंग है, टमाटर, खीरा, चीज़, और ये है आपका ऑमलेट। साथ में मैंने अपने लिए ये बार्ले चॉकलेट मिल्कशेक लिया है, जौ से जो सत्तू बनता है ना वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, तो ये कॉम्बिनेशन मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। हालांकि मैंने सत्तू गर्म दूध में तो ट्राई किया था जब मैं हम टाबो में थे, लेकिन इस तरह का पहली बार। पहले ये टेस्ट करेंगे, सही है, तिब्बतन ब्रेड का कॉम्बिनेशन इस तरह के सैलड के साथ, और साथ में एग, नाइस टेस्ट। और तिब्बतन ब्रेड मैंने ना यहाँ पहले भी एक दिन खाई थी, तो इसको गर्म खाने में मज़ा ज़्यादा आता है। इसको तवे पे बनाया जाता है, वीट फ्लार से इसको तैयार करते हैं, और तवे पे जैसे चपाती बनाते हैं ना उस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है। गुड टेस्ट। मैंने अपने लिए समोसा इसलिए मंगाया क्योंकि इसके अंदर ना काले मटर की स्टफिंग है, ये आप देख लीजिए काला मटर कैसे दिखता है, फिलहाल तो ये बॉयल हुआ हुआ है। एक बार मैं इसका भी टेस्ट देख लेता हूँ, इसका स्वाद ना कुछ कुछ काले चने होते हैं ना उसके जैसा है, और इसकी स्टफिंग की गई है इस समोसे के अंदर। वैसे समोसे का शेप ऐसी होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको समोसा बोलते हैं। ये अंदर की स्टफिंग है, तो हाथ से खा लेंगे वही बेहतर रहेगा। मजा आ गया, जो स्टफिंग है ना बड़ी जबरदस्त है। इसमें काले मटर के अलावा एक जो मसाला बनाया ना उसके अंदर छोले कुछ मसाले मिलाकर एक अच्छी स्टफिंग तैयार की है, और ये जो चटनी है ना बहुत तीखी है। गुड कॉम्बिनेशन, इसके अंदर तीखापन नहीं है लेकिन चटनी तो बहुत तीखी है। वैसे एक बात है, ये समोसा एक बार खा लिया ना तो इसका टेस्ट जुबान पे चढ़ रहा है। एक तो काफ़ी दिन के बाद हम कुछ चीज़ मसालेदार खा रहे हैं, ऑलमोस्ट 7-8 दिन में हमने कोई भी मसाले वाली चीज़ नहीं खाई, और दूसरी चीज़ ये स्टफिंग है ना बहुत अच्छी बनाई है। मैंने ना काले मटर मंगाए थे आपको दिखाने के लिए और ख़ुद देखने के लिए, लेकिन टेस्ट करते करते ना मैंने पूरी कटोरी खा ली है, नो सॉल्ट नो मसाला, जस्ट एज इट इज टेस्ट करते करते कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला। देखो सत्तू होने से क्या है कि इसके अंदर ना क्योंकि वो पूरी तरह से मिलता नहीं है दूध के अंदर, तो आपको खाते समय महसूस होता है कि कुछ तो पाउडर जैसा चीज़ है जो आप कंज्यूम कर रहे हो, और थोड़ा सा चॉकलेट होने से वो टेस्ट में मिक्सिंग हो गई है। और सत्तू के वैसे भी बड़े हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इस तरह का शेक मैं पहली बार पी रहा हूँ, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ओवरऑल फूड इज़ गुड। जो पहले खाया तिरिक वो भी सही था, तिरिक सैंडविच, समोसा ऑसम था, और ये भी मज़ेदार है। मेरे साथ इस समय इशिता जी हैं, इन्होंने मेरे को बताया कि ये जो रेस्टोरेंट है ना इसको इकोस्फेयर ओन करता है, और फिर उससे जो फंड्स जनरेट होते हैं आप सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। मेरे को आपके यहाँ पर ब्रेकफास्ट काफ़ी पसंद आया, अच्छा एक्सपीरियंस और नाइस टेस्ट।
अच्छा ये बताइए, ये फोटोग्राफ कहाँ की है? मेरे को बड़ी प्यारी लग रही है। की मोनेस्ट्री की है? दिस इज की मोनेस्ट्री, बट थोड़ा सा अलग व्यू ऑफ की मोनेस्ट्री। आप पहाड़ से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये व्यू आपको मिलेगा की मोनेस्ट्री का। जिसने भी फोटो खींची है बहुत बढ़िया खींची है ना। अच्छा इससे क्या पता लग रहा है हमारे को? ये जो है आपके जो स्टार का जो पूरा नक्शा है रात को, तो ये दिस इज द एंटायर कॉन्स्टेलेशंस एट नाइट जो आपको दिखेंगे। एंड आप नोटिस करेंगे जो है कि मतलब अलग अलग मंथ्स में डिवाइडेड है। सो इफ यू आर हियर इन जुलाई तो आपको जुलाई वाला सेक्शन वाले स्टार्स दिखेंगे। सो दिस इज द एंटायर नक्शा एंड बीच में जो है आपका ये मिल्की वे है जो अच्छा क्लियरली दिखता है। यानी अगर मार्च में देखेंगे तो मिल्की वे ऐसा दिखेगा, सेप्टेम्बर में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। आपसे भी थैंक यू, धन्यवाद। आप कभी भी काजा आएंगे ना तो ये चीज का ख्याल करिए कि सफिशिएंट कैश लेके आना, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेट बैंक का एटीएम है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ओपन होता है। अभी तो चांस की बात है, मैं खड़ा हुआ कोई था नहीं, वरना मैंने कल रात को देखा था कि 5-5, 6-6 लोग की लाइन लगी थी। और सैटरडे संडे को हाई चांसेस कि कैश रन आउट हो जाए, और यहाँ पर वो गूगल पे वो सब नहीं चलता क्योंकि थोड़ा नेटवर्क अभी भी चैलेंज है यहाँ पर। और बाकी आगे चल के चंद्रताल तो 100% ही कैश है, और ऊपर भी लांगजा वैली वगैरह मोड ऑफ पेमेंट इज़ ओनली कैश। काजा मार्केट से की मोनेस्ट्री जाने के लिए अभी हम निकले हुए हैं। 14 किलोमीटर का ये सफ़र है, 2 किलोमीटर हमने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हो जो जिसके ऊपर बहुत सारी लकड़ी दिख रही है, यहाँ से लोग लेफ्ट टर्न लेके उस पार चले जाते हैं तो मनाली को रास्ता आ जाता है। मनाली यहाँ से 180 किलोमीटर्स दूर है। हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं की मोनेस्ट्री को। इस समय यहाँ पर खड़े होके वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे नदी जा रही है, ऊपर तेज़ हवा चल रही है, लहराते हुए इतने सारे झंडे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो इस समय हवा कितनी तेज है। अभी हम की मोनेस्ट्री से लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। सामने आप मोनेस्ट्री के दर्शन कर लीजिए। देखा आपने पहाड़ के ऊपर, जिस जगह अभी मैं खड़ा हूँ ना, मैं पिछले 10 से 15 मिनट से सिर्फ यहाँ खड़े होकर एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या क्या व्यू देख रहा हूँ, मुझे कैसा अनुभव हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, आसमान में इस समय बादल है। धूप ना पहाड़ के ऊपर जो पड़ रही है ना, एक साथ नहीं पड़ रही, थोड़ी छन छन के पड़ रही है, यानी कहीं धूप है कहीं धूप नहीं है, तो ये बड़ा अद्भुत सा नज़ारा है। और पहाड़ में भी ना कहीं कहीं हरी घास है कहीं नहीं है, तो मल्टी कलर पहाड़ महसूस हो रहे हैं। और सही मायने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेंटिंग की हो, बहुत खूबसूरत पेंटिंग मैं देख रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में तो पहाड़ ही है, बहुत ही अल्टीमेट। एक बार के लिए ऐसा लग रहा है सामने देखकर जैसे बादल पहाड़ से बात कर रहे हैं और हवा हमसे बात कर रही है। यहाँ पर मैं बार बार नोटिस कर रहा हूँ पिछले 7-8 दिनों से, आप जैसे आगे बढ़ रहे हो ना किन्नौर से हम स्पीति की ओर आए, तो हर तरफ हवा तेज़ चलती है और हवा में एक प्योरिटी है, एक साइलेंस है जो शब्दों में बता पाना मुश्किल है। आप कभी भी यहाँ पर आएंगे तो आप भी यही अनुभव करेंगे, सो ब्यूटीफुल। 5-10 मिनट और यहाँ पे रुकेंगे फिर मोनेस्ट्री को जाएंगे। पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। पार्किंग के साथ ही देखिए यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें पूरी मोनेस्ट्री की हिस्ट्री लिखी हुई है। जो आज मोनेस्ट्री यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, पहले नदी के उस पार रांगरिक करके पीक है, वहाँ हुआ करती थी। 14th सेंचुरी में ना वहाँ मंगोल्स का अटैक हुआ, उसके बाद मोनेस्ट्री यहाँ पर बनाई गई जिस जगह अभी हम ऊपर विजिट करने जा रहे हैं।
यहाँ पर ना मल्टीपल अटैक्स के बारे में लिखा है, कब कब यहाँ पर अटैक हुए, स्ट्रक्चर्स को डैमेज करने की कोशिश की गई। तो इन सारे अटैक्स के चलते 1975 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक भी आया था, जिसके बारे में मैंने पिछले कुछ एपिसोड में जिक्र किया था। काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर्स गिर गए थे उस अर्थक्वेक में, तो तब दोबारा डैमेज हुआ और उसके बाद इस मोनेस्ट्री को दोबारा शेप दिया गया ASI की मदद से। साथ में आप एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा है गेलुगपा एस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ पर इसकी देखरेख करी। तो आज की तारीख में भी जो गेलुगपा सेक्ट है वो मैनेजमेंट इस मोनेस्ट्री की करता है। सामने जो आप छोटा सा बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है दिस इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन स्पीति, बिलोंग्स टू गेलुगपा स्कूल, और मोनेस्ट्री की जो हाइट है वो 4116 मीटर है। देखते हैं यहाँ बोर्ड के पीछे भी क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए मोनेस्ट्री लुक्स लाइक अ फोर्ट विद टेम्पल्स बिल्ट ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, ऊपर जाकर हम विजिट करेंगे। साथ में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अंदर आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, लॉर्ड बुद्धा की आइडल्स हैं और 3 फ्लोर्स हैं। तो टोटल यहाँ पर ना 350 मॉन्क्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं और प्रेयर करते हैं। चलिए मोनेस्ट्री को चलते हैं। लगभग 100 मीटर की स्टीप चढ़ाई चढ़ के हम इस पॉइंट तक आ चुके हैं, गेट हमारे सामने है। एक बार आप नीचे का व्यू देख लो, कितना अच्छा लग रहा है, और जो रोड है ना बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत ही बढ़िया। अभी हम मंदिर के अंदर आए, यहाँ पर ना 3 फ्लोर्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लोर गए, वहाँ पर हमने देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन करे। फर्स्ट फ्लोर में मैंने देखा कुछ ना ठंका पेंटिंग्स भी थी। उसके बाद हमने सेकंड फ्लोर में देखा कि वहाँ एक हॉल था जिसके बाहर लिखा था विजिटर्स या टूरिस्ट नॉट अलाउड, क्योंकि उसके अंदर केवल मॉन्क्स ही जा सकते हैं, वहाँ पर जो कुल देवता हैं उनकी मूर्तियाँ हैं। उसके बाद थर्ड फ्लोर में हमने देखा 2 हॉल्स थे, एक में मैत्रेय बुद्धा जी का स्टैचू था जिनको कहते हैं फ्यूचर बुद्धा, दूसरे हॉल में लोचावा रिंचन ज़ेंगपो जी के 18th रीइंकार्नेशन की अस्थियां थी जिसके हमने दर्शन करे। तो मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद इस समय हम ना फर्स्ट फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर एक किचन में आए हैं। यहाँ पर महाराज जी जो साथ खड़े हुए हैं, ये टूरिस्ट को ना सेवा करते हैं, इनको सबको चाय पिलाते हैं, तो आप हर्बल टी पिलाते हैं सबको ना, तो हम भी हर्बल टी पी लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। ये हर्बल टी का स्वाद ऐसा है कि बार बार पीने का मन करे ना, मतलब जैसे एक बार अभी पी लिया तो मन करेगा आधे घंटे बाद दोबारा पी लो, वेरी टेस्टी। ग्राउंड फ्लोर में ना अभी कुछ ही देर में प्रेयर स्टार्ट होने वाली है, हम फिर वहां पर भी चलेंगे। अब मैं टेंपल के बाहर आ चुका हूँ। मैं आपको बताना भूल गया था, टेंपल में ना एक मेडिटेशन हॉल भी है, तो वहाँ पर मैं 10 मिनट बैठा था, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस का एहसास हुआ। एक और चीज़, प्रेयर्स कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर कुछ देर मैंने छम डांस भी देखा, मतलब हॉल के बाहर बैठ के, वो भी अपने आप में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। यहाँ से एक बार आप व्यू देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पर हैं। और मैं यहाँ से पार्किंग की ओर चलता हूँ। अब यहाँ से आगे हमें किबर भी जाना है और चीचम ब्रिज भी जाना है, तो आपको मैं कुछ देर में ज्वाइन करता हूँ।
की मोनास्ट्री से केवल अभी हमने 4 किलोमीटर का सफर किया चीचम ब्रिज जाने को। ये व्यू देखने के लिए हमने गाड़ी को रोका है। सामने देखो वो डोम जैसा स्ट्रक्चर है ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखकर। इसका शेप देखो, ऊपर हल्की हल्की घास है, बहुत खूबसूरत। थोड़ा सा यहाँ की तरफ आपको दिखाता हूँ, ये झूला सा जो बना हुआ है ना, आज से कुछ साल पहले तक जो उस गांव में लोग रहते हैं, मैं आपसे उस पहाड़ के उस पार की बात कर रहा हूँ, वो इस झूले पे बैठकर इधर आते थे, तो दूसरा आदमी रस्सी खींचता था और वो यहाँ आ जाते थे। और आज की तारीख में अगर किसी को कुछ सामान भेजना है तो सब्जी वगैरह इस पे रखते हैं, वहाँ से खींच लेते हैं। नीचे बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है। अब देखो अब यहाँ पे लाइफ कैसी है, इतनी हाइट पे हैं हम, बहुत कठिन स्थान है। चलिए ऊपर को चलते हैं, हमें इसी रास्ते से ऊपर को जाना है। की मोनेस्ट्री से 8 किलोमीटर का सफर करके हम चीचम ब्रिज पहुंच चुके हैं। सबसे पहले ब्रिज देखेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे ये ब्रिज क्यों स्पेशल है। देखो ये ब्रिज ना 2017 में बना है। अब आप पहले देखो कि पानी कितना नीचे है और हम किस हाइट से ये आपको दिखा रहे हैं। ये देखो जी, ठीक है, इसका वैसे तो कोई एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि नज़दीक में चीचम गाँव है तो लोकल्स इसको चीचम खड्ड बोलते हैं। आगे जाके ये चीचम नदी को मिल जाता है। अब यहाँ से देखो, चाहे तो इधर से देखो, ये देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है और कितनी ज़बरदस्त हाइट से हम ये देख रहे हैं। देखो दोनों तरफ पहाड़, बीच में नैरो सा रास्ता जिसे पानी अपना रास्ता निकालता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये ब्रिज क्यों स्पेशल है, 2017 से पहले ये जो चीचम गाँव के लोग हैं ना, चीचम तक जाने के लिए एक झूले का यूज़ किया करते थे। कुछ देर पहले हमने झूला देखा था ना, दूसरा था लंबा सा ट्रैक करके वो लोग काजा को निकल जाते थे या फिर दूसरे गांव चले जाते थे। अब ब्रिज बनने से उनका जीवन सरल हो गया। दूसरी बात, ये ब्रिज एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है। सामने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है 13,596 फीट हाइट पे अभी हम खड़े हुए हैं। एशिया में इससे ऊंचा ब्रिज आज की तारीख में कोई भी नहीं है। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम भी यहाँ पर आए और टूरिस्ट भी इधर आते हैं और इस जगह को इंजॉय करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हवा तो जैसे मैं हर जगह आपको बताता हूँ कि यहाँ पर चलती रहती है, उसका अंदाज़ा लगा सकते हो आप ये देख कर कि फ्लैग्स कैसे हिल रहे हैं, सो ब्यूटीफुल। जब कभी भी आप काजा आएंगे तो यहाँ तो आप आएंगे ही, आधा घंटा एक घंटा रुकेंगे, खूब मज़ा आएगा। मैं पिछले 15-20 मिनट से सोच रहा था चीचम गाँव बसा क्यों और कैसे, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थिति कि इस पहाड़ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो नीचे इतनी खाई है, नीचे हमने देखा खड्ड पानी, तो यहाँ आने का कोई रास्ता ही नहीं था, तो लोग यहाँ क्यों बसे। तो इन्होंने बड़ी लॉजिकल मेरे को आंसर दिया है कि बहुत साल पहले, साल मतलब कम से कम 200-400 साल पहले, जो गद्दी लोग होते हैं, जो भेड़ चराते हैं, वो लोग तो कहीं भी निकल जाते हैं 400-500 किलोमीटर आगे, तो वो लोग यहाँ आते थे क्योंकि यहाँ घास होती थी। उस टाइम हर जगह घास नहीं होती थी, तो यहाँ आते थे, 15-15 दिन महीना रहते थे, तो उनकी भेड़ को अच्छा लगता था, भेड़ को खाना मिल जाता था। तो धीरे धीरे उनमें से कुछ लोग यहाँ पर रहना शुरू किया। अब 5 लोग रहे, उन्होंने अपना कोई झोंपड़ी बनाई, हट बनाई, उनको देखी 10 और आ गए, तो ऐसा करते करते गांव बस गया। आज की तारीख में चीचम गांव की पॉपुलेशन कितनी है? 150 लोगों रहते, मतलब 35-40 घर होंगे मैक्सिमम, इससे भी कम ही होंगे। अच्छा रहा यहाँ पे आना, अब हम चलते हैं यहाँ से, ठीक है। चीचम ब्रिज से 5 किलोमीटर का सफ़र करके हम किब्बर गांव पहुंच चुके हैं। ये गांव के 3 निवासी हमारे साथ खड़े हैं। 15-20 मिनट से हमारी डिस्कशन हो रही है समझने के लिए कुछ इस गांव के बारे में, बाकी ओवरऑल इस जगह के बारे में। तो पहली बात तो इन्होंने बताई कि गांव की आबादी 400 है। दूसरा चीज़ इन्होंने बताई कि जहाँ पे मैक्सिमम जो टूरिस्ट आते हैं ना, वो जनवरी, फरवरी और मार्च में आते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव होता है स्नो लेपर्ड देखना। तो स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स,
ब्लू शीप और रेड फॉक्स, ये होते ना जानवर यहाँ पर। तो इनका कहना है कि अगर आप 7 से 8 दिन की विंडो लेके आओ तो आपको स्नो लेपर्ड दिख ही जाएगा 100 मीटर या 200 मीटर के डिस्टेंस से। तो बायनोकुलर लगा के देखोगे तो क्लियर दिखेगा आपको। साथ में इन्होंने बताया कि जून जुलाई अगस्त से लेके 15 सितंबर तक का जो टाइम होता है, इस दौरान में ट्रैकर्स आते हैं जो परांगला पास जाना चाहते हैं। वैसे तो 3 दिन में आना जाना हो सकता है, अगर किसी का ट्रैकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी कम है तो वो 4 दिन में आ जाएगा। परांगला पास 18,800 फीट हाइट पे है, पीछे मैंने बोर्ड पे भी पढ़ा था, हम खड़े हुए इस समय 14,000 फीट हाइट पे। वो है परांगला पास जो बर्फ दिख रही हमें, वो पास है जिसकी हम बात कर रहे हैं, परांगला पास। अब यहाँ से परांगला पास देखने में तो हमें ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन इनका कहना है ये 25 किलोमीटर दूर है, आपको ऐसा नीचे ऊपर होके जाना हो, अप डाउन होता है। ये बताओ इसका क्या नाम है? कानामो पीक। इसका भी ट्रैक होता है? ये भी फेमस है। तो यानी एक ट्रैक हो गया और एक पीक हो गई। चलो अच्छा लगा आप लोग से बात करके, धन्यवाद। किबर से हम ताशीगंग जाने के लिए निकले हैं। ये टोटल कोई 17-18 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें से हमने 13 किलोमीटर की जर्नी ऑलरेडी कर ली है। यहाँ पर गाड़ी रोकी है आपको याक दिखाने के लिए। मैंने आज से पहले एक ही जगह पे इतने सारे याक कभी नहीं देखे। देखो आप सब गिन लेंगे, छोटे बड़े तो मिला के 15 से 20 के बीच में है। वाह। और ये पिछले 10 दिन की जर्नी जब से हम कर रहे हैं, इन दिनों में भी मैंने एक ही बार याक देखा था, और आज तो देखो कितने सारे। वैसे इस रास्ते पे ना वाइल्ड एनिमल्स भी दिख जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए हम गाड़ी स्लो चला रहे थे, जिससे कि अगर कुछ वाइल्ड एनिमल हमें दिख जाए तो थोड़ी सी फोटोग्राफी कर लेंगे। और यहाँ की जो मिट्टी है थोड़ी काली, आप देखो ना यहाँ ध्यान से, मिट्टी काली है, आसमान तो क्लियर है ही है, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं ना, इधर सफ़ेद बादल उधर काले बादल, वाओ। सामने तो ऐसा लग रहा है जैसे वो काली मिट्टी का ही पहाड़ है। ओ मैन, 5 मिनट रुकेंगे फिर आगे ताशीगंग को जाएंगे। कुछ देर से मैं यहाँ खड़े होकर याक की तरफ देख रहा था, पूरे नज़ारे को एंजॉय कर रहा था, तो मैंने नज़र नीचे मारी तो मेरे को यहाँ पे ना फॉसिल दिख गए हैं। मैंने सुना था कि इस एरिया में फॉसिल होते हैं, लेकिन सामने से तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब ये एक बड़ा सा टुकड़ा रहा होगा, जिसमें जब ये टुकड़े हो गए छोटे छोटे तो कोई सेट नहीं बनेगा, लेकिन ये हज़ारों लाखों ना जाने कितने साल पुराना ये फॉसिल है। एनीवेज इस पर हमारा कोई हक नहीं बनता, हमारे को इसको यहीं पे छोड़ देना चाहिए। चलो आगे को चलते हैं। फाइनली हम ताशीगंग पहुंच चुके हैं। आप जानते हैं यहां मैं किस लिए आया हूं, मैं ऐसा गांव देखना चाहता था जिसकी जो टोटल पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में लोगों की बात नहीं कर रहा, टोटल नंबर ऑफ हाउसेस वो केवल 4 है। जब यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पर पोलिंग बूथ लगता है इस जगह, ये देखिए जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पोलिंग बूथ लगता है उन 4 घरों के लिए। तो आप कह सकते हैं वर्ल्ड हाइएस्ट पोलिंग सेंटर यहीं पर है। इस समय हम रफली 4,650 मीटर हाइट पर हैं। 50 मीटर अभी मैं चला और मेरे को ऐसा लगने लगा कि सांस फूल रहा है, हालांकि मैं थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कितनी ज़्यादा हाइट पे हैं। ये जो ओपन स्पेस आप देख रहे हैं, बड़ा सा गार्डन है, यहाँ पर बच्चे अक्सर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे गाड़ी के ड्राइवर ने बताया बच्चे यहाँ खेलते हुए दिखेंगे, इन 4 घरों के जो बच्चे हैं। और कि यहाँ पर पहाड़ देख के लग रहा है काले पहाड़ हैं, एक्चुअली वो सूरज की रोशनी की वजह से लग रहा था, पहाड़ काले नहीं हैं, लेकिन ऐसा ज़रूर लग रहा है कि ये बर्फ़ की जो ऊपर चोटी है ना पहाड़ की, बादल उससे एकदम टच है, कितने घने काले बादल हैं सामने। ओ गॉड व्हाट अ व्यू, इस तरफ काले बादल और इस तरफ सफ़ेद बादल, और ये खुला वातावरण, मज़ा तो आ गया यहाँ पर आके। थोड़ा सा आगे चलकर कोशिश करते हैं अगर हम किसी गांव वाले से हल्की सी इंटरेक्शन कर सकें।
आइए जी। हम ताशीगंज गांव तक पहुंच चुके हैं। हमारी मुलाकात यहां पर मैम से हुई है। तो मैं ना पिछले 10 मिनट से इनसे समझने की कोशिश कर रहा हूं इनके जीवन के बारे में। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि ऑन कैमरा आप ही बात कर लें, तो कहते नहीं मैं आपको बता देती हूं, बोल आप दो, थोड़ा इनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा। तो जो आपने समझाया है मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात तो देखो ये है, यहां पे चार घर नहीं है, तीन घर हैं। और तीन घर में जो टोटल मेंबर हैं वो हैं 15। अब कुछ चीज़ें जो मेरे को यहां आकर अच्छी लगी गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये कि पहली बात इनके घर में प्रॉपर बिजली आती है, तो ये इन्होंने हमें बोर्ड भी दिखाया और प्रॉपर लाइट आती है। दूसरा, इन्होंने सोलर भी लगाया हुआ है। तीसरी बात, इन्होंने पानी के लिए क्या किया हुआ है, दो सोर्सेज हैं इनके पास, एक तो ऊपर से है जो गर्मियों के समय आता है और दूसरा नीचे चश्मे से आता है सर्दियों के समय। इनके मटर के खेत हैं और दूसरा आपने बताया जौ। अब लाइफ में हार्डशिप ये है कि अगर इनको घर का कोई भी सामान चाहिए, जैसे दाल चाहिए, चावल चाहिए, तो इनको काजा जाना होता है। और काजा जाने के लिए यहाँ से ये पैदल जाते हैं 3 घंटे लगा के की मोनेस्ट्री तक। 3 घंटे लग जाते हैं आपको? 3 घंटे लग जाते हैं। और की मोनेस्ट्री से इनको कोई शेयर टैक्सी या कुछ मिल जाता है काजा जाने के लिए, फिर वहाँ से वो घर का राशन लेके यहाँ पर आते हैं। तो हफ्ते में कितना, एक दिन जाते हो आप? तो ये मतलब समझ लीजिए अगर घर का कोई राशन चाहिए तो वो सुबह से लेके शाम हो जाएगी घर का राशन लाने में। अब मैंने इनसे पूछा कि सर्दियों में आप कैसे मैनेज करते हो, इतनी सर्दी होती है, 5-5, 8-8 फुट बर्फ होती होगी यहाँ पे, 5-7 फुट तो होगी बर्फ, कोई 4-5 फुट। तो सर्दियों में कैसे मैनेज करते हो 4-5 फुट बर्फ में पूरे के पूरे 4 महीने? तो इन्होंने कहा फिर हम 4 महीने के लिए स्टॉक करके रखते हैं और घर के अंदर ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं आते, क्योंकि बाहर दरवाजे के आएंगे तो 4-5 फुट बर्फ पड़ी हुई है। बाकी अपनी गायें हैं दूध के लिए, काफ़ी कठिन जीवन है आपका। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने और बताई हमारे को, जो पीछे हमने पोलिंग बूथ देखा था ना, वहाँ पर एक स्कूल है, बेसिकली वो बिल्डिंग में ही स्कूल है, जहाँ पर किब्बर से एक टीचर डेली बेसिस पे यहाँ पर आते हैं। और इनका जो गांव में टोटल 15 मेंबर है और 15 में से 3 बच्चे हैं जो 5th क्लास के नीचे वाले हैं, तो वो 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए रोज़ टीचर आते हैं। और 5th क्लास के ऊपर के लिए या तो बच्चे फिर किब्बर जा सकते हैं या फिर काजा, तो ये 3 ऑप्शंस हैं, लेकिन 5th तक की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। वाकई में अच्छा लगा आपसे जानकर। तो अभी बाकी गांव के जो मेंबर हैं वो खेत में गए हुए हैं, खेत में गए ना, इसीलिए हमें कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। आपका धन्यवाद, ठीक है। आप वैसे तो हमें लगता है आप काफ़ी कठिन जीवन जी रहे हो। मैंने इनसे ये भी आखिर एक सवाल पूछा, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा उधर आ जाना चाहिए क्योंकि इतने टफ लाइफ के अंदर? तो लेकिन इनका कहना ये है कि वहाँ पर ज़मीन कहाँ से लेंगे, यहाँ तो ज़मीन है, तो खेती करते, और इनका जीवन सालों साल से इस प्रकार से चल रहा है। अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद। अब हम यहाँ से काजा जाने के लिए निकल रहे हैं, पहुँचने में हमें लगभग 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। यहाँ से किब्बर तक पहुँचने में 45 मिनट, मतलब जिस रास्ते से हम आए वापस 45 मिनट, और उसके आगे 45 मिनट्स और, तो 6:45 हुए हैं, तो लगभग समझ लो कि 8:15 तक काजा पहुँच जाएंगे। तो काजा पहुँच के आपको हम ज्वाइन करते हैं। सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, ये देख लीजिए व्यू, आधी तरफ छाया आधी तरफ धूप, थोड़ी देर में सूरज ढल जाएगा। चलो आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं। डिनर करने के लिए आज हम काजा मार्केट में पिति कैफे आए हैं। मैंने अपने लिए ना एक बड़ा डिफरेंट किस्म का सूप मंगाया, इसका नाम है सेम थुक। इसमें डिफरेंट पता क्या, जैसे वेजिटेबल सूप होता ना जिसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स होती हैं, उसके अलावा इसमें सत्तू है। तो ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं ट्राई किया, पहली बार। एक बार आप टेक्स्चर देखिए कैसा है। बाय गॉड, सत्तू से टेस्ट पूरी तरह से बदल गया, सत्तू ने डोमिनेट कर दिया टेस्ट को। बाकी लोडेड विद वेजिटेबल्स, ओवरऑल गुड कॉम्बिनेशन। ये देखो पालक, गाजर, शिमला मिर्च, पनीर। uh,
डिनर में मैं खा रहा हूँ चिकन शाफ्टा, साथ में आलू फिंग्स और टिंगमो। ये टिंगमो तो मैंने पहले बहुत बार खाया, पहले चिकन शाफ्टा टेस्ट करेंगे। टिंगमो का आप टेक्सचर देख लो कैसा है, ये जनरली आटे से बनता है। चिकन शाफ्टा की जो प्रिपरेशन है ना, लाजवाब है, एक्सीलेंट। मैं सूप पीते समय भी फील कर रहा था शेजवान पेपर का जो फ्लेवर होता है ना, उसके अंदर भी था और इसके अंदर भी है, लवली। और ये टिंगमो के साथ ऑसम कॉम्बिनेशन। टिंगमो में ना हल्की हल्की खटास होती है, बहुत माइनर, तो उसका ना बड़ा मस्त स्वाद आता है। लो जी, अब टेस्ट करेंगे आलू फिंग्स। यहाँ पे इसको आलू फिंग्स बोलते हैं, वैसे अदरवाइज इसको ग्लास नूडल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ना राइस नूडल्स हैं, आलू है, पालक है, बाकी एक आध वेजिटेबल और है। इस समय जो मैं आलू फिंग्स खाने वाला हूँ ना, ये यहाँ की ना इस एरिया की ट्रेडिशनल डिश है, जो एजेस से लोग खाते आए हैं। स्वाद तो लाजवाब है, इसके अंदर तीखा ना के बराबर है, लाइट ऑन स्टमक ऐसा खाते समय मुझे लग रहा है, और बड़ी ऑथेंटिसिटी है इस टेस्ट के अंदर। आज का ना दिन काफी जल्दी स्टार्ट किया था और इस समय पता भी नहीं चला, रात के 10 बज चुके हैं, तो थोड़ी सी ऐसा लगा कि दिन बहुत ज्यादा लंबा स्ट्रेच हो गया है। यह मैं फूड फिनिश करता हूं, आपको बाय बाय कर देता हूं। आज का एपिसोड आप बताइए कैसा लगा, और कल का हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से रहेगा। कल हमें हिकिम भी जाना है और लांगजा भी जाना है, तो अभी इस मोमेंट पे डिसाइड नहीं किया कि पहले कहाँ जाएंगे, वो मैं कल मॉर्निंग में डिसाइड करूँगा। और कल हम लगभग 8:30 या 9 बजे कोशिश करेंगे दिन की शुरुआत कर लें, ठीक है। ओवरऑल स्पीति टूर मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। खास तौर पर मैं आपको एक चीज़ बार बार बीच में बोला है, लेकिन आज फिर मैं एम्फोसाइज़ करके बता रहा हूँ कि जब हमने शिमला से जर्नी शुरू करी और हम किन्नौर पहुंचे तो डायनामिक्स बदल गए। किन्नौर के बाद हमने स्पीति एंटर किया, दोबारा डायनामिक्स बदल गए, और विद इन स्पीति ऑल्सो पिन वैली के बाद जब हम काजा आए तो मेरे को ये दो ज्योग्राफिकल एरियाज में इतना डिफरेंस महसूस हुआ, आई एम श्योर आपने भी नोटिस किया होगा, ठीक है। तो जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अगला एपिसोड, नई जर्नी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। लो जी, सोचो दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर पोस्ट ऑफिस, उसके बाहर अभी हम खड़े हैं। व्हाट अ एक्सपीरियंस। तो आप लोग के लिए ये काफी आम है यार का सब्जी खाना? हाँ जी, हाँ जी, ये हम इसको ड्राई भी करते हैं और सर्दियों में खाते हैं। इतने साल में आज पहली बार हुआ है कि मैं किसी जगह गया और मैंने होमस्टे नहीं देखा, होटल नहीं देखा, रूम नहीं देखा, और ना टैरिफ पूछा, और बिना उसके बोल दिया हम आपके साथ आपके घर में रहेंगे, मतलब आपके होमस्टे में रहेंगे। और जिनके हम घर में रहने वाले हैं वो सज्जन हमारे सामने चल रहे हैं। हेलो कर दो। हेलो सही है।